जाएंगे।
मंगाई तब तो सोच ठीक है। इसमें तो श्री राम जो मूवी ने वो इस नई नई के मूवी में देखा उन्होंने एक जो फेमस वर्ल्ड फेमस क्षत्रिय
call Bumi. Bumi itu kan artinya buku Bino Indi. Bina isi Ko Aku mencoba semua yang ada artinya Mas Aku bahan Jika kita ingin Mandu Dewa Mandi Dewa Mandi Bini Lalu आई तो भी वो ईस्ट ईस्ट यूपी वाले
भोजपुरी छोड़ना है ये मोबाइल लैंग्वेज होती है, ब्रज हो गई और ब्रज ज्यादा आती है, ब्रज हमारे कुल में
वेस्ट हो, भूख तो वेस्ट पड़ा रह जाएगा ना फिर। तो जो मिलो we have an AOC.
अब उनके बी हो गए C O E. C O E. Do you know what this is? Yeah.
टू सी प्लस बी दो एंटर मिला के ए कैसा था ए टू सी प्लस बी दोनों इक्वल एंगल अपोजिट एंगल समझ में आ गया दोनों क्या है ये करना है भाई तूने अब तो यार तुझे एक मिनट अब जा सकते हैं आनी पड़ा वापस जा बैठा है टाइम हो गया अभी 20 मिनट है बढ़ रही है ना उसको बढ़ाने के लिए
गवर्नमेंट और उसकी पॉपुलेशन को डिमांड ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन, इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, फार्म प्रोडक्शन भी बढ़ रही है इसकी इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। अब डिमांड बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, तो दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज। तो इसको हम काफ़ी तरीके से क्या कर सकते हैं, अचीव एज अ एज इंक्रीज इन द क्रॉप एरिया, ऐसा एक क्रॉप एरिया में नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर हम ज़्यादा ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्रॉप्स उगाएंगे तो उससे हमारी फैसिलिटीज भी इरिगेशन की फैसिलिटी में भी क्या होगा, इम्प्रूविंग होगी। तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, और अच्छी वेराइटी के सीड्स को हम उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी हम तरह तरह की चीज़ें यूज करेंगे, एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर में भी हम क्या करेंगे डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज ऑल्सो इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ, जो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी बढ़ेगी और फूड सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। एग्रीकल्चर हैज डेवलपमेंट इन डिफरेंट प्लेस, एग्रीकल्चर अलग अलग जगह पे करता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स। डेवलपिंग कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन, कंट्री में डेवलपिंग भी होती है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में, यूजिंग प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर में क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्ड, होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर इंटेंसिव। यूएसए में तो कमर्शियली वो लोग सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर, तो यूएसए एज इन यूएसए कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, तो विद द हेल्प ऑफ टू केस स्टडी ऑफ वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए, तो लेट्स अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर डेवलपिंग एंड डेवलपमेंट। अब हम समझेंगे कि एग्रीकल्चर और डेवलपिंग कंट्री में और डेवलप कंट्री में डिफरेंस। अब फार्म इन इंडिया, अब इंडिया में क्या है फार्म, अब इंडिया और यूएसए के फार्म के दोनों डिवीजनों में ऊपर देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर इन द विलेज, क्योंकि वहाँ पर छोटा सा फार्म होता है। रूल इज फार्म लैंड ऑफ 1.5 हेक्टर्स, उनकी फार्म लैंड कितनी थी 1.5 हेक्टर। बी हिज हाउस इज इन द मेन विलेज, उसका हाउस था तो उसका मेन विलेज था, उसका मेन विलेज जो स्मॉल था। बी परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, उसने काफ़ी अच्छी पैदावार की सीड्स खरीदे थे कहाँ से, मार्केट से, एवरी अल्टरनेट ईयर हर साल। द लैंड इज फर्टाइल एंड ग्रो एट लीस्ट टू क्रॉप इन अ ईयर, उसकी लैंड कैसे थी फर्टाइल थी और वो साल में दो क्रॉप्स उगाता, ठीक है। विच आर मोस्टली नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेस, वो ज़्यादातर क्या होती थी वीट और राइस, गेहूँ और चावल ही ज़्यादा हुआ और दाल भी। द फार्मर टेक एडवाइस फॉर हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, फार्मर ने उसको एडवाइस दी, फार्मर ने एडवाइस दी अपने फ्रेंड और एल्डर्स अपने बड़ों को और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स को रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस, इसके लिए इसके लिए जो फार्मिंग प्रैक्टिस चल रही है ना परंतु चल रही है उसके लिए। तो ही टेक अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लगिंग हिज फील्ड, उसने ट्रैक्टर खरीदा रेंट पे फार्मिंग करने के लिए, प्लगिंग करने के लिए फील्ड में खेत में। तो सम ऑफ फ्रेंड्स विल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलॉक्स, जबकि उसके कुछ फ्रेंड बुलॉक्स यूज कर रहे थे वो प्लगिंग प्लगिंग के लिए। तो देयर इज अ ट्यूबवेल इन द नियर बाई फील्ड, और ट्यूबवेल के नियर बाई फील्ड में फील्ड विच ही टेक ऑन रेंट टू इरीगेट हिज फील्ड, उसने रेंट पे लिया और फील्ड में क्या करना शुरू कर दिया इरीगेट। मुन्ना लाल ऑल्सो हैज टू बफेलो, उसके पास क्या थी बफेलो एंड फ्यू हैंड्स और कुछ हैंड्स मुर्गियाँ, ही सेड मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर, और उसने मिल्क को कहाँ भेज दिया लोकेटेड इन नियर बाय, ही इज अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो किसका मेंबर था,
अप्रोप्रिएटिंग सोसाइटी का विच ऑल्सो एडवाइज हिम ऑन द टाइप ऑफ फोल्डर्स और उसको अलग अलग तरह के फोल्डर्स के लिए एडवाइस करता था फॉर हिज एनिमल्स सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और द मेंबर ऑफ द फैमिली हेल्प ही वेरियस तो जितने भी उसके मेंबर ऑफ द फैमिली थे वो उसकी सब चीज़ों में हेल्प करते थे फॉर्म एक्टिविटीज तो सम टाइम ही टेक क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक उसने कभी कभी क्या लिया बैंक से क्रेडिट लिया ऑन द एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय अ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स उन्होंने क्या खरीद लिया हाई यील्ड वैरायटी सीड्स खरीद लिए एंड इम्प्लीमेंट्स कर दिए उसमें उसमें कुछ चेंजेस कर दिए तो ही सेल्फ इज प्रोड्यूसिंग द मंडी लोकेटेड और वो कहाँ बेचता था उसको अपने मंडी में इन द नियर बाय टाउन जो उसके घर के पास तो सिंस मेजॉरिटी ए थप्पड़ लगा दूंगी तेरे मुंह पे भी क्या डिस्कशन हो रही तुम दोनों की क्यों सारे के majority of the farmer do not have a leg storage facilities तो जो उनकी majority of the farmers है ना उनके पास कमी नहीं थी facilities की storage की तो they are forced to sell the produce उन्होंने force किया था किस चीज़ के लिए बेचने के लिए जो भी उन्होंने जो produce किया था ना उगाया था उसको even when the market is not favorable जबकि market उनको support नहीं करती थी तब भी to them in recent years The government has taken some steps to develop storage facilities. Government ने कुछ steps लिए जो भी storage facilities थी ना उसको develop करने के लिए. A farm in the US. The average size of farm in the US जो हर तरह की size के जो farm थे ना USA में is much larger. ये बहुत बड़े थे than that of an Indian farm. किससे बड़े थे? Indian farm से. A typical farm size in the USA farm size कैसे था? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी क्रॉप थी कॉर्न भुट्टा सोयाबीन वीट कॉटन एंड शुगर बीन तो जो हो रहा है अ फार्मर इन द मिडवेस्ट यूएसए ठीक है तो इन लोवा स्टेट ऑन अबाउट 3300 हेक्टर ऑफ लैंड थी उनके पास ठीक है ही ग्रो कॉर्न ऑन हिज फील्ड वो अपनी खुद की कॉर्न पे क्या उगाते थे खुद की फील्ड पे क्या उगाते थे कॉर्न आफ्टर मेकिंग श्योर दैट उसके बाद उन्होंने सॉयल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ठीक है ऑफ दिस क्रॉप एडिक्वेट मीजर्स उसको नापा उन्होंने अच्छे से आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट और जो भी पेस्ट थे उसको क्या कर लिया कंट्रोल दैट कैन डैमेज द क्रॉप वो क्रॉप को क्या कर सकती हो डैमेज तो फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड द सॉयल सैंपल्स टू द सॉयल टेस्टिंग लेबोरेटरी और समय समय पर वो सॉयल के जो टेस्ट है वो भेजता रहता था सॉयल लेबोरेटरी में चेक करवाने के लिए चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट ही जो सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट ठीक है या नहीं अगर नहीं है तो उसको डालता द रिजल्ट हैज जो हो रहे टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम उसने साइंटिफिक फर्टिलाइजर प्रोग्राम भी रखा हिज कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट उसके कंप्यूटर किससे लिंक थे विच गेव हिम अ प्रिसाइज जो उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिक्चर देते थे टू हिज फील्ड अपने फील्ड के लिए तो दिस हेल्प टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर और उसके लिए मदद करता था केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करना एंड पेस्टिसाइड्स वेयर दे आर रिक्वायर्ड और पेस्टिसाइड्स में वहीं डालते हैं जहाँ जरूरत पड़े ही यूज ट्रैक्टर उन्होंने ट्रैक्टर यूज किया सीड ड्रिल जो सीटी होते हैं ड्रिल करके उसको लेवलर करने के लिए लेवल करने के लिए कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स हार्वेस्टर और थ्रेशर्स को कंबाइन करता था समटाइम टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और काफ़ी सारे एग्रीकल्चर ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था अ ग्रेन आर स्टोर इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज और उसको कहाँ भेजता था एजेंसी
agencies may dispatch particles. The farmer in USA work like a businessman. The farmers from USA में कैसे काम करते थे? As a businessman and not like a peasant farmer. Peasant farmer की तरह काम करते थे. The difference between USA farmer and Indian farmer. So how इतना difference है ना? Both USA and Indian farmers.
ही गलत लिखा है, निरंकुश निरंकुश होता है, ये ऐसे कंफ्यूज करते हैं कि निरंकुश निरंकुश जो हम पढ़ते थे अपनी हिंदी की नहीं निरंकुश निरंकुश हिंदी में जो राजा होता है निरंकुश उसका प्राइवेसी भी यही होता है राजा का निरंकुश ठीक है अब ये देख निरंकुश निपट निरंकुश मनमानी करने वाला ठीक है शंकर Yeah, I mean,
उन्हें तो दूसरी के देखे हैं परिचय देते हैं, मतलब जो लड़ाई में जो होगा, जो युद्ध में जो लोग लड़ते हैं, उनको उसकी वीरता का परिचय भी देते हैं।
बाद घर के अपने को इसे जताते शत्रु को मिलते उसके की मतलब शत्रु को ना शत्रु ऐसा होता है दुश्मन अभी मैं सब देख लूंगी उसमें देख ले लास्ट का सीन मैं बताऊंगी तेरे को ये वाला जो स्टोरी है तेरे अपनी हां भाई दिखाओ मम्मी को जल्दी होते तो मैं भागने की Thank you.